सामने हो अगर नाजिम भी है हम तक पहुँचता हूँ और बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं और हम सामेईन को अपने कलाम से अपने खिताब से महजूज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए इज़ाम हुफ़ाज़े किराम जलसेगाह में तशरीफ लाए हुए मेहमानान ज़ी-वक़ार मेरी माओ और बहनों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि आज का ये अज़ीम-ओ-शान जलसा तकमीले हिफ्ज़े कुरान करीम की निस्बत से मुनाकिद हो रहा है और आज के इस अज़ीम-ओ-शान प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मुकर्रर खुसूसी एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका ताल्लुक आरिफ बिल्ला हजरत अकदस मौलाना कारी सिद्दीक अहमद साहब बांदवी नवरल्लाहु मरकदहू के कायम करदा मदरसा जामिया अरबिया हथौरा बांदा से है। उसी इदारे के हजरत वाला बहुत ही अहम और अजीम शख्सियत हैं जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी हजरत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्ला साहब अल असादी दामत बरकातुहुम है। हजरत वाला ही का असल बयान होगा, उससे पहले महफिल को जोड़ने के लिए मुख्तसर से वक्त के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। कुछ बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ काम की बातें कहने की और हम सबको उन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आपके गांव का ये इदारा काफी अरसे से दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है, न जाने कितने बच्चे इस इदारे से हाफिज कुरान बन चुके हैं और आइंदा न जाने कितने बनेंगे। आप हजरात के गांव में जितने हुफ़ाज़े किराम हैं अक्सर का ताल्लुक इस मदरसे से रहा है या तो इस मदरसे में हिफ्ज़े कुरान करीम मुकम्मल भी किया है या अगर मुकम्मल नहीं किया तो शुरू जरूर किया है। इस मदरसे से बहुत से हाफिज पैदा हुए और गाहे बगाहे तकमीले हिफ्ज़े कुरान करीम की निस्बत से प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं, उन बच्चों को मुबारकबाद भी पेश किया जाता है
कि आप भी अपने बच्चों को हिफ्ज़े कुरान करीम की दौलत से मालामाल करने की फिक्र करें। ऐसे मौके पर हिफ्ज़े कुरान करीम की फजीलत से मुताबिक कुरान और हदीस की रोशनी में काफी बातें आज की जाती हैं और आज की जाएंगी। मैं मुख्तसर से वक्त में एक खास बात की तरफ आप हजरात की तवज्जो दिलाने की कोशिश करना चाहता हूँ। वो ये है कि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, मजहब इस्लाम और इस्लाम के अहकाम मर्दों के लिए भी हैं और औरतों के लिए भी हैं। इल्म हासिल करना मर्दों के लिए भी जरूरी है और औरतों के लिए भी जरूरी है। तालीम के मैदान में लड़कों या लड़कियों में, मर्दों या औरत में हमारे मजहब ने कोई तफरीक नहीं की, कोई भेदभाव नहीं किया कि लड़कों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाया जाए और लड़कियों को तालीम के मैदान में पीछे रखा जाए, ऐसा हमारे मजहब ने नहीं कहा। लेकिन हम और आप, ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी गफलत और लापरवाही है कि तालीम के मैदान में हम अपने बच्चों को तो आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ने की और उनको आगे बढ़ाने की फिक्र करते हैं, उसकी तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन बच्चियों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के हम फिक्र नहीं करते हैं। यही वजह है कि अगर सिर्फ इस गांव की बात की जाए तो इस गांव में 50 हाफिज़ कुरान आपको मिलेंगे, लेकिन एक लड़की भी हाफिज़ कुरान आपको नहीं मिलेगी। क्या हाफिज़ कुरान बनना सिर्फ लड़कों ही के लिए है? क्या हिफ्ज़े कुरान करीम की फजीलत का हासिल करना सिर्फ बच्चों के लिए है, लड़कों के लिए है, मर्दों के लिए है? क्या ये फजीलत बच्चियां हमारी हासिल नहीं कर सकती? क्या हमारी बेटियां, क्या हमारी बहनें हाफिज़े कुरान नहीं हो सकती? यकीन हो सकती और होनी चाहिए। इस जानब हमें और आपको तवज्जो देने की सख्त जरूरत है। जिस तरीके से हम मेहनत करते हैं लड़कों के पीछे, बच्चों के पीछे, और छोटी सी उम्र में हम उनको हाफिज़े कुरान बना देते हैं, ऐसे अगर हम थोड़ी सी फिक्र कर लें अपनी बच्चियों की जानिब, लड़कियों की जानिब, तो उनको भी हिफ्ज़े कुरान करीम की दौलत से मालामाल किया जा सकता है। लेकिन इस सिलसिले में हमारी और आपकी बहुत बड़ी गफलत और कोताही है, और ये भी हो सकता है कि कल कयामत के दिन हमारी पकड़ भी हो जाए कि बच्चों को तो हाफिज़ कुरान बना रहे थे, लेकिन बच्चियों को तुमने हाफिज़ कुरान क्यों नहीं बनाया? ऐसा नहीं है कि बच्चियों का जहन कम होता है, उनका दिमाग कम होता है, अगर वो हाफिज़ बनना चाहे तो नहीं बन सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम उनको इस मैदान में उतारते ही नहीं है, उनके पीछे मेहनत ही नहीं करते हैं। अगर हम जरा सी भी मेहनत कर ले तो जितनी मेहनत बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने के लिए करते हैं, शायद कि आज उससे आधी मेहनत अगर हम बच्चों के पीछे कर ले तो आसानी के साथ हाफिज़े कुरान करीम बन सकती है। लेकिन शर्त यह है कि हम इस जाने फिक्र करें, तवज्जो करें, और ये जिस दौलत से हमारी बच्चियां भी मालामाल हों। अभी दो चार दिन की बात है, नानपारा में एक हजरत मौलाना मोहम्मद रिजवान नदवी साहब दामत बरकातुहुम है, उनकी 9 साल की बेटी ने 2.5 साल की मुद्दत में कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। वो लड़की पूरे इलाके के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक नमूना है। उसको सामने रखकर हम और आपको सबक लेना चाहिए कि हम भी अपने बच्चों, अपनी बच्चियों को हाफिज़े कुरान करीम बनाए और जिसकी फजीलत से उन्हें भी मालामाल करें। लेकिन हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान करीम बनाते हैं, अपनी बच्चियों की जानिब तवज्जो नहीं देते हैं, इस गफलत के हम शिकार हैं, हमको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उलमाए किराम फरमाते हैं कि बच्चियों का दिमाग, बच्चियों का जहन बच्चों के मुकाबले में बहुत तेज होता है। हजरत मौलाना पीर जुलशतार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम अपने तजुर्बे की रोशनी में लिखते हैं कि अगर एक भाई और एक बहन दोनों को साथ में हिफ्ज़े कुरान
और होगा। क्यों? बच्चों के जहन बहुत तेज चलता है, बच्चे पूरे माहौल में रहते हैं, उनके अंदर शरारतें भी काफी होती है, लापरवाही और गफलत भी ज्यादा बरतते हैं। जबकि लड़कियां बंद माहौल में होती हैं, उनका जहन तेज चलता है, शरारत में भी वो आगे नहीं होती है, और वो जिस चीज को करने का ठान लेती है वो बहुत जल्द उसको कर गुजरती है। आपने देखा होगा स्कूलों की तालीम में एग्जाम जब होता है तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा नंबर लेकर के आती हैं। क्यों? उनका दहन तेज होता है, वो जिस काम के पीछे मेहनत करना शुरू कर देती हैं, दिनों रात उसके लिए मेहनत करती हैं। इसलिए अगर हम अपनी बच्चियों के हाफिज़ कुरान करीम बनाने की अगर थोड़ी सी भी आप फिक्र कर ले तो हमारी बच्चियां भी हाफिज़ कुरान करीम बन सकती है। लेकिन जैसा कि मैं आज कर रहा हूँ कि हम और आप बहुत बड़े गाफिल हैं इस सिलसिले में, बल्कि बाज इलाके हमारे इलाके में बाज गांव ऐसे हैं कि हर घर में एक न एक हाफिज कुरान करीम जरूर मौजूद है। नवाबगंज के करीब एक गांव बनकसई है, बनकसई गांव ऐसा है कि शायद ही कोई घर ऐसा मिले जिसमें कोई हाफिज कुरान मौजूद ना हो। लेकिन बहुत ही अफसोस होता है ऐसे पढ़े लिखे और इन वाले गांव के अंदर एक भी बच्ची हाफिज़ कुरान करीम आपको नहीं मिलेगी। यहाँ और आप, हमारी और आपकी बहुत बड़ी कमी है कि अपने घर में एक एक घर में दो दो हाफिज़ कुरान करीम बना देते हैं, तीन और चार हाफिज़ कुरान करीम बना देते हैं, लेकिन हमारी बच्चियाँ बस जरा सा कुरान करीम उनका खत्म हो गया, दो चार उर्दू की किताबें पढ़ ली, बस उनकी तालीम उन्होंने मुकम्मल कर दी। इस सिलसिले में हम और आपको बेदार होने की जरूरत है, इस चीज को अपने दिल पर लेने की जरूरत है कि अगर हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन रहा है तो हमारी बच्ची भी हाफिज़ कुरान करीम बनना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बनाते हैं, बहुत से लोग बनाते हैं। उलमा के घरों में अगर आप देखेंगे तो बहुत से उलमा ऐसे हैं कि जिनके घर में औरतें हाफिज़ कुरान करीम आपको मिलेंगी। एक मिसाल हमारे और आपके लिए बहुत अहम है, दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हजरत मौलाना सईद अहमद कारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका अभी इसी लॉकडाउन में इंतकाल हुआ, वो फरमाते हैं कि हमारी जब शादी हो गई थी, शादी होने के बाद मैंने अपनी बीवी को हाफिज बनाया। शादी होने के बाद बीवी का हाफिज बन जाना ये बड़े कमाल की बात है। क्यों? शादी के बाद औरतों के सामने बच्चों की देखरेख, दुनिया भर का काम उनके सामने हो जाता है। ऐसी तमाम जिम्मेदारियों के होते हुए एक औरत का हाफिज कुरान करीम बन जाना कितनी बड़ी कमाल की बात है। और हजरत वाला फरमाते हैं सिर्फ यही नहीं कि मेरे घर में सिर्फ मेरी बीवी हाफिज कुरान हो, बल्कि मेरे जितने लड़के थे उन लड़कों की जब शादी हुई तो शादी होने के बाद हर लड़के की बीवी को मेरी बीवी ने हाफिज कुरान बनाया। खाली आपके घर में जितने लड़के और जितनी लड़कियां, जितनी औरतें, जितनी बहुएं थी, सबके सब हाफिज कुरान करीम थी। तो अगर हम थोड़ी सी फिक्र कर ले, थोड़ी सी तवज्जो कर ले, इस जानिब हम थोड़ी सी मेहनत कर ले तो हमारे घर में अगर हमारा लड़का हाफिज मौजूद है तो हमारे घर में हमारी लड़की भी हाफिज हो सके। इसमें मदरसे वालों की भी कमी है और वालिदैन की भी कमी है। मैं मदरसा वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके मदरसे में छोटी छोटी बच्चियाँ बहुत पढ़ने आती हैं, उन बच्चियों में आप देखो जो जिसका जहन तेज हो, जो आगे बढ़ सकती है, उसके लिए आप ऐसा इंतजाम कर दो, ऐसा निजाम बना दो कि उसके लिए पीछे ऐसी मेहनत करो कि वो भी हाफिज कुरान करीम बन जाए। और मैं जिम्मेदाराने मदरसा से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आइंदा जब आप तकमीले हिस्से कुरान करीम का कोई प्रोग्राम मुनाकिद करें तो ऐसा आपने ऐसी मेहनत की हो कि उस तकमीले हिस्से कुरान करीम के प्रोग्राम में एक न एक बच्ची का जरूर हिस्से कुरान करीम मुकम्मल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ लड़कों के पीछे मेहनत करेंगे, लड़कियों और बच्चों के पीछे मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत अधूरी रहेगी। आपकी मेहनत पूरी उस वक्त होगी जब आप लड़कों को भी हाफिज बनाएंगे, साथ साथ लड़कियों को भी हाफिज बनाएंगे। हमारे मुआशरे के अंदर सुधार उसी वक्त आएगा, तिलावत का आपका मामूल रहे, फिर वो शादी के बाद जिस घर में जाएगी उसका माहौल कितना दिन
बच्चे पर कितना होगा, फिर वो बच्चा दीनदार बनेगा, फिर हमारे घर का माहौल पूरा दीनदाराना हो जाएगा और घर का माहौल ही बदल जाएगा। आज हमारे मुआशरे का सुधार क्यों नहीं होता है, इसलिए कि लड़के तो पढ़े हुए हैं, बाप पढ़ा लिखा है, बाप चिल्ला चार महीना लगा हुए है, वो दीन से समझता है, लेकिन हमारी औरतें दीन को नहीं समझती है, दीन से दूर है। इसलिए हमारे घर में जितने खुराफात होते हैं, आदमी बहुत चाहता है शादी के मौके पर, गमी के मौके पर, खुशी के मौके पर कोई खुराफात ना हो, शरीयत के मुताबिक काम हो। जो चार महीना लगा करके आया है, चिल्ला लगा करके आया है, तीन दिन लगा करके आया है, ये मदरसे जब्बा करके आया है, वो चाहता है कि हमारे घर में सारे काम शरीयत के मुताबिक हो। लेकिन हमारी घर की जो औरत है, जाहिर औरत, वो कहती नहीं जैसा हो रहा है वैसा ही होगा, और आखिरकार शोहर के न चाहते हुए भी वो औरत, जाहिर औरत, सारे खुराफात करा कर रहती है। लेकिन जिस घर की औरत पढ़ी लिखी होती है, दीनदार होती है, शरीयत को समझती है, उस घर में खुराफात नाम की कोई चीज नहीं होती है। आज इस्लामी मुआशरे के लिए बहुत सी मेहनतें होती हैं, बहुत से जलसे जुलूस होते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में इस्लाम इसीलिए नहीं होता है कि घर के मर्द पढ़े लिखे दीनदार हैं, लेकिन घर की औरतें बेदीन हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो दीन को नहीं समझती है। इस वजह से हमारे घरों का माहौल नहीं बदल रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जैसे हमारे लड़के पढ़े लिखे हो, ऐसे हमारी लड़कियां भी पढ़ी हुई हो, और लड़कियां सिर्फ कुरान करीम पढ़ने तक ही ना हो, वो जहाँ तक पढ़ सकती है, पर्दे के एहतराम लिहाज करते हुए तालीम के मैदान में जहाँ तक हमको आगे बढ़ा सके बढ़ाए, यही कल की माए बनेंगी, घर की यही कल के घर की यही मर्दा बनेंगी, और फिर हमारे घरों में इस्लाम होगा, दीनदारी आएगी। इसलिए मैं आप हजरात की दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपके घर में कोई बच्ची है, उस बच्ची को आप ये आयत कर दें कि हम अपनी बच्ची को हाथ से कुरान पढ़ाएंगे, और वरना कल हम कयामत के दिन मुजरिम होंगे, अगर कहीं खुदा के सामने हमारी किसी बच्ची ने हमारा गिरेबान पकड़ लिया, ये अल्लाह मेरे अब्बू ने मेरे भाई को तो आबिद बनाया था, लेकिन मुझे आबिद बनाने के लिए इन्होंने कोई फिक्र नहीं की, कोई मेहनत नहीं की, कोई तवज्जो नहीं की, तो फिर हम वहाँ पर क्या जवाब देंगे। इसलिए मैं खुलकर आप हजरात से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप हजरात अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, उनकी जानिब तवज्जो देते हैं, ऐसे ही अपनी बच्चियों की तरह मेहनत करें, तवज्जो दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे माशरे के अंदर एक इंकलाब आ जाएगा, और बच्चियों को हाफिज़ कुरान बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और इसका असर बहुत होगा। मर्द जब पढ़ता है और वो तालीम याफ्ता होता है तो उसका असर ज्यादा लोगों पर नहीं पड़ता है, लेकिन जब घर की औरत पढ़ी लिखी होती है, बच्चियां पढ़ी लिखी हुई होती हैं, तो उसका असर पूरे खानदान पर होता है, पूरे मोहल्ले पर होता है। इसलिए कि मर्द कितने भी पढ़े लिखे दीनदार हो, वो 24 घंटे घर के अंदर नहीं रहते हैं, सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं और देर रात को घर में वापस आते हैं, तो उनका घर में रहना सिर्फ रात के अंधेरे में होता है, और 24 घंटे घर की चार दीवारी में जो होती है वो औरतें होती है। इसलिए घर के माहौल को संभालना ये औरतों की जिम्मेदारी होती है। अब अगर वो दीनदार होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो घर का निजाम सही होगा, बच्चों की तालीम सही होगी। इसलिए इस जानिब हमें और आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मैं यही पैगाम आज के जलसे से आप तक पहुँचाना चाहता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।